पंप्स उसका मतलब है आई ए बी पी। अगर आप लोगों को इब्रिवेशन आ जाए तो उसका मतलब है इंट्रा एओर्टिक बेलून पंप। अब इंट्रा एओर्टिक बेलून पंप आपके पास क्या है, ये हमारे पास एक प्रोसीजर होता है थ्रू हम क्या करते हैं एओर्टा में हमारे पास एक बेलून हम इंसर्ट करते हैं, उस बेलून को हमारे पास इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट होता है। वो इन्फ्लेट होता है तो क्या फंक्शन हमें देता है, डिफ्लेट होता है तो क्या फंक्शन हमें देते हैं, वो आगे हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी बैकग्राउंड पढ़ते हैं। रियलाइजेशन दैट कोरोनरी परफ्यूजन मेनली अकर ड्यूरिंग डायस्टोल, काम मतलब हमारे पास डायस्टोल जो होता है उसमें हमारे पास कोरोनरी परफ्यूजन होती है। कोरोनरी परफ्यूजन मींस कोरोनरी जो आरटी है आपके पास, वो जो हार्ट को ब्लड सप्लाई होती है उसको कोरोनरी परफ्यूजन कहते हैं, तो काम मतलब हमारे पास डायस्टोल में होती है। इंस्पायरेशन ऑफ आर्टीरियल ब्लड ड्यूरिंग सिस्टोलिक विद री इन्फ्यूजन ड्यूरिंग डायस्टोलिक डिक्रीज कार्डिक वर्क विदाउट कंप्रोमाइजिंग कोरोनरी परफ्यूजन। आप क्या कहते हैं कि ये आपके पास क्या करता है, दो काम करते हैं आपके पास, एक आपके पास प्रीलोड आपके पास कम करता है, फिर डायस्टोलिक आपको डिक्रीज करते हैं, तो इसलिए आपके पास वर्क कम होगा तो कोरोनरी परफ्यूजन आपके पास अच्छी होगी। नेक्स्ट आपके बताते हैं इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम डिस्प्लेस विथ लेटेक्स बेलून्स, ये आपके क्या करता है इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम को डिस्प्लेस करता है, मीन्स उस जगह से वो किसी और जगह को शिफ्ट कर देता है, मीन्स आगे की तरफ में भेज देता है। कोरोनरी आर्टरी परफ्यूजन उससे अच्छी होती है, तो ये उसका फंक्शन है, क्योंकि जैसे हमारे पास वहाँ पे क्या होता है, जो बेलून आपके पास होता है वो इन्फ्लेट होता है डिफ्लेट होता है। ये सामने आपके पास जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये आपके पास इंट्रा एओर्टिक बेलून पंप का एक मशीन है आपके पास, तो जो हम कैथेटर पास करते हैं जो बेलून होता है उसके साथ अटैच होता है, इसके अंदर हमारे पास कार्डिक व्यूज और सब चीज़ मॉनिटर सब इस पे हमारे पास मॉनिटरिंग हम करते हैं, तो ये मरीज़ के बेड साइड पे ये मशीन पड़ा रहता है, तो इसके थ्रू हम उस चीज़ों को देखते हैं, और इससे ये सामने ईसीजी पेपर भी निकल आते हैं, अगर आपको ईसीजी चाहिए तो अब ईसीजी भी हम उससे निकालते हैं। लेकिन जिस मरीज़ को इंट्रा एओर्टिक बेलून पंप लगता है तो उसका उसमें एक काउंटर पल्सेशन एक्स्ट्रा होता है, वो आगे आपके पास इमेज में है, वो आप लोगों को नज़र आ जाए। नेक्स्ट आपके पास इंट्रा एओर्टिक बेलून पंप इज मैकेनिकल डिवाइस, ये आपके पास एक मैकेनिकल डिवाइस है दैट इज़ यूज टू डिक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड्स, ये डिक्रीज़ करता है मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड क्यों डिक्रीज करता है, इसलिए डिक्रीज़ करता है क्योंकि जब ये हम पास करते हैं तो इससे मायोकार्डियल परफ्यूजन बेटर होती है, जब परफ्यूजन बेटर होगी तो लाजमी बात है तो वहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन डिमांड क्या होगा ऑटोमेटिकली कम रहता है। अच्छा, वाइल इज द सेम टाइम इंक्रीजिंग कार्डिक आउटपुट, और सेम टाइम कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज करता है, बाय इंक्रीजिंग कार्डिक आउटपुट इट्स आल्सो इंक्रीज कोरोनरी ब्लड फ्लो एंड देयर बाय मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड डिलीवरी। जिस तरह आपके पास ये कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करता है इस तरह कोरोनरी फ्लो भी इंक्रीज करता है, जब कोरोनरी फ्लो ही इंक्रीज करता है तो उसके बाद इसकी वजह से आपके पास ज़्यादा ब्लड जो है वो कोरोनरी आर्टरी में चला जाता है, तो कोरोनरी आर्टरी को बेटर ऑक्सीजन और परफ्यूजन मिल सकती है। इट कंसिस्ट ऑफ सैलेंडिकल बैलून, ये आपके पास एक सैलेंडिकल बैलून होते हैं, बैलून का शेप आगे इमेज में है, आप लोग देख लोगे कि किस तरह शेप है। दैट सिट्स इन द एओर्टा एंड काउंटर पल्सेशन, ये आपके पास एओर्टा में प्लेस होता है और ये काउंटर पल्सेशन करता है, काउंटर पल्सेशन फिर ईसीजी में किस तरह हम देखते हैं वो आगे इमेज में है। दिस इज इट एक्टिवली डिफ्लेट इन सिस्टोल, ये एक्टिवली डिफ्लेट होता है सिस्टोल में, ये आप लोगों को एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि ये कब आपके पास डिफ्लेट होते हैं सिस्टोल में, डिफ्लेट होता है इंक्रीज फॉरवर्ड ब्लड फ्लो बाय रिड्यूसिंग आफ्टर लोड दस एंड एक्टिवली इनफ्लेट इन डायस्टोल इंक्रीजिंग द ब्लड फ्लो टू द कोरोनरी आर्टरी, और ये आपके पास इन्फ्लेट होता है डायस्टोल में क्योंकि ये कोरोनरी फ्लो आपके पास इंक्रीज कर ले। अगर ये आपके पास सिस्टोल में, अगर आप इसकी टाइमिंग आपने गलत रखी, इसमें हम टाइम सेट करते हैं कि इन्फ्लेट कब होगा डिफ्लेट कब होगा, अगर टाइमिंग आपने गलत लगी तो फिर इसमें मसला आ जाता है। अगर ये आपके पास इन्फ्लेट हुआ सिस्टोल में तो सिस्टोल आगे फिर ब्लड पुश नहीं कर सकता है बॉडी को, इसलिए ये हमारे पास कहाँ पे इन्फ्लेट होता है डायस्टोल में, ये इन्फ्लेट होता है जो एओर्टा में ब्लड जमा होता है उस ब्लड को आगे की तरफ पुश कर देता है और आगे की तरफ लेके जाता है, तो उससे आपके पास कोरोनरी आर्टरी को ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है। दीज एक्शंस हैव द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ डिक्रीजिंग मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड एंड इंक्रीजिंग मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई, इसकी वजह से मायोकार्डियल ऑक्सीजन की डिमांड भी कम हो जाती है और उसको सप्लाई भी कम हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जब बेलून इन्फ्लेट होता है तो वो ब्लड ऑलरेडी उस कोरोनरी आर्टरी में मायोकार्डियल को परफ्यूज कर देता है, तो फिर इसलिए उसकी डिमांड क्या हो जाती है कम हो जाती है। नेक्स्ट हेमोडायनामिक आपके पास है,
हीलियम इज रैपिडली पम्प इनटू एंड आउट ऑफ बैलून। आप लोगों को एमसीक्यूज में आ सकता है कि कौन सा गैस इसके अंदर हम डालते हैं, हीलियम गैस हम इसके अंदर डालते हैं, ये आप लोगों को भी एमसीक्यूज में आ सकते हैं। दो तीन एमसीक्यूज हो गए आपके पास। इनफ्लेट कब होता है, डिफ्लेट कब होता है, इनफ्लेट आपके पास डायस्टोल में होता है, डिफ्लेट आपके पास सेस्टोल में होता है। कौन सा गैस इसके अंदर हम यूज़ करते हैं, हीलियम गैस हम यूज़ करते हैं। कितना हम यूज़ करते हैं, 40 cc तक हम अबाउट यूज़ कर सकते हैं। व्हेन इनफ्लेट दस बैलून डिस्प्लेस द ब्लड टू द एओर्टा। अच्छा, दिस इज नोन एज काउंटर पल्सेशन, इसको हम काउंटर पल्सेशन कहते हैं। हीलियम इज यूज बिकॉज इट इज सॉल्युबल गैस एंड विल नॉट कॉज एन एम्बुलस ऑफ इफ द बलून रप्चर। अब आपको एमसीक्यूज घुमाते फिर आ सकते हैं, आपको इस तरह की भी एमसीक्यूज आ सकते हैं कि जब आप इंट्राइवोटिक बैलून पंप डालते हो तो उसमें हम कौन सा गैस डालते हैं, ऑक्सीजन डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, सही है, कौन सा गैस डालते हैं, फिर वहाँ पर लोग कन्फ्यूज होते हैं। या आप लोगों को इस तरह की एमसीक्यूज आते हैं कि कौन सा गैस है जो ब्लड में आपके पास सॉल्युबल है, तो हीलियम आपके पास सॉल्युबल भी है, हीलियम हम उसमें हम डाल सकते हैं। सडन इन्फ्लेट मूविंग द ब्लड सुपीरियरली एंड इन्फीरियरली टू द बलून। जब वो इन्फ्लेट होता है तो ब्लड सुपीरियरली इन्फीरियरली दोनों साइड पर वो चला जाता है। वेन द बलून इज सडनली डिफ्लेट द प्रेशर विद इन द एओर्टा ड्रॉप क्विकली। जब वो डिफ्लेट होता है तो एओर्टा के अंदर ब्लड ड्रॉप होता है, मीन्स प्रेशर ड्रॉप होते हैं। जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप होते हैं, जब वो सिस्टोल करता है तो उसके लिए आगे जगह खाली होता है, तो वो बेटर आउटपुट करेगा। आउटपुट फिर क्या होगा, बेटर होगा, क्योंकि आगे उसको रेजिस्टेंस नहीं होगा, ऑलरेडी रेजिस्टेंस जो है उसने पहले से खत्म किया, तो इसलिए वो उसका आउटपुट भी बेटर रहता है। नेक्स्ट आपके पास इन्फ्लेशन ऑफ द बैलून अकर एट द ऑनसेट ऑफ डायस्टोल। ये आप लोगों को दोबारा रिपीट हुआ कि ऑनसेट ऑफ डायस्टोल में ही होता है, क्योंकि एमसीक्यूज में आप लोगों को आ सकता है। एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एओर्टा ब्लड वॉल्यूम इज अवेलेबल फॉर डिस्प्लेसमेंट बिकॉज द लेफ्ट वेंटिकल हैज जस्ट फिनिश्ड कंट्रेक्शन एंड इज बिगिनिंग टू रिलैक्स। जब आपके पास लेफ्ट वेंटिकल सिस्टोल खत्म करता है, रिलैक्स होने की तरफ आ जाता है, रिलैक्स होना स्टार्ट होते हैं, उसी टाइम ये आपके पास क्या होता है, इन्फ्लेट होता है। जैसे आपके पास लेफ्ट वेंटिकल रिलैक्स होने स्टार्ट होता है, डायस्टोल स्टार्ट होता है, तो उस टाइम ये क्या होता है, इन्फ्लेट होता है, तो उस ब्लड को आगे की तरफ पुश कर देता है, कोरोनरी आर्टरी की तरफ, और बाकी जो वाइटल ऑर्गन है उसकी तरफ वो ब्लड चला जाता है। द वॉल क्लोज एंड द ब्लड हैज नॉट हैड एन अपॉर्चुनिटी टू फ्लो सिस्टेमिकली, और ब्लड क्या होता है वो आगे की तरफ चला जाता है। द प्रेशर वेव इज क्रिएटेड बाय इन्फ्लेशन फोर्स ब्लड superiorly into the coronary artery, this help perfusion the heart. Blood is also forced inferiorly, increasing perfusion to the distal organs, brains, kidney tissue. आप लोगों को बता रहे हैं, MCQs में भी आ सकता है कि जब आपके पास ये inflate होता है, बैलून आपके पास एओर्टा के अंदर होता है, जब ये inflate होता है तो ये blood push कर देते हैं inferiorly and superiorly दोनों तरफ, coronary artery में भी ये flow करता है, आपके पास जो वाइटल ऑर्गन है, किडनी हुई, ब्रेन है, उसको भी ये फ्लो पूरा कर देता है। नेक्स्ट आपके पास द बैलून रिमेन इन्फ्लेट थ्रू आउट द डायस्टोल। जो डायस्टोल होता है उसमें क्या होता है, इन्फ्लेट ही रहेगा। एट द ऑनसेट ऑफ सिस्टोल द बैलून इज रैपिडली डिफ्लेट। जैसे ही आपके पास सिस्टोल स्टार्ट होता है तो ये क्या होता है, डिफ्लेट होता है, क्योंकि अगर ये इन्फ्लेट रहता है तो फिर सिस्टोल के लिए आगे जाने का रास्ता बंद होता है, तो इसलिए ये एओर्टा के अंदर होता है तो ये डिफ्लेट होता है। जब ये डिफ्लेट होता है तो आराम से सिस्टोल आगे की तरफ पुश होता है, क्योंकि आगे उसके रेजिस्टेंस नहीं होता है। द सडन लॉस ऑफ एओर्टिक प्रेशर कॉज बाय द डिफ्लेशन रिड्यूस द आफ्टरलोड। ये क्या करते हैं, आफ्टरलोड भी आपके पास रिड्यूस करता है। आफ्टरलोड किस तरह रिड्यूस करता है, अगर आपके पास एओर्टा में आगे से रेजिस्टेंस है तो आफ्टरलोड आपके पास इंक्रीज होगा, अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो आराम से वो ब्लड आगे जाते हैं तो आफ्टरलोड आपके पास क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो इसलिए आफ्टरलोड को क्या करता है, डिक्रीज करता है। द लेफ्ट वेंटिकल डज नॉट हैव टू जनरेट एज मच प्रेशर टू अचीव इजेक्शन सिंस द ब्लड हैज बीन फोर्स फ्रॉम द एओर्टा। द लोअर इजेक्शन प्रेशर रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वर्क ऑफ द हार्ट हैज टू डू रिजल्टिंग इन लोअर मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड्स। अब ये क्या करता है, जब एओर्टा के अंदर ब्लड होता है, रेजिस्टेंस आगे से ये खत्म करता है, जब रेजिस्टेंस आगे से खत्म करे तो ऑटोमेटिकली आपके पास प्री लोड आफ्टर लोड को कोई इशू नहीं होगी। जब प्री लोड आफ्टर लोड को कोई इशू नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ना वो कम है ना ज़्यादा है, अपने नॉर्मल हालात में वो जा रहा है, तो इट्स मीन्स वहाँ पर फिर आपको कोई रेजिस्टेंस फील नहीं होगी। कार्डिक का वर्कलोड भी साथ में क्या होगा, कम होगा, क्योंकि कार्डिक का ओवरलोड तब ज़्यादा होता है जब उसको आगे रेजिस्टेंस हो, जब उसको आगे रेजिस्टेंस नहीं है तो कार्डिक ओवरलोड क्या होगा, कम होगा। प्री लोड एंड आफ्टर लोड आपके पास नॉर्मल होगी तो कार्डिक पे ओवरलोड नहीं होगा, अगर आपके पास आफ्टर लोड में रेजिस्टेंस होगा या प्री लोड में रेजिस्टेंस होगा तो वर्कलोड क्या होगा,
ज़्यादा होगा। और दूसरी बात यह कि जब कोरोनरी आर्टरी को ब्लड मिलता है तो हार्ट बेटर काम करेगा। अब जब हार्ट को खुद खुराक नहीं मिलता है, मीन्स ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, तो हार्ट फिर काम नहीं कर सकता है। जब कोरोनरी आर्टरी में फ्लो इंक्रीज होता है तो उसको ऑक्सीजन डिमांड कम करता है वहाँ पर, क्योंकि फ्लो ऑलरेडी इंक्रीज है तो ऑक्सीजन डिमांड कम होती है, तो हार्ट भी आपके पास स्टेबल रहता है तो वो भी काम अच्छा कर सकता है। अब प्रीलोड, आपके पास प्रीलोड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल्स एट द एंड डेस्टोल। जब आपके पास एंड डेस्टोल में आपके पास जो ब्लड वहाँ पे रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रीलोड कहते हैं। द रेस्टिंग फेज ऑफ द हार्ट फैक्टर अफेक्टिंग प्रीलोड इंक्लूड एवोर्टिक इंसफिशेंसी, सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम्स, मिटर वॉल डिजीज एंड सम मेडिकेशन, वेजो कंस्ट्रक्शन और वेजो डायलेशन। कुछ मेडिकेशन आपके पास है, ये आपके पास क्या करता है, प्रीलोड को इफेक्ट कर सकता है। एओर्टिक इंसफिशिएंसी, आप लोगों को इस तरह की एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, फिर ये मत कहना कि हम क्लिनिकल पे नहीं गए थे, हमें नहीं पता है, सही, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इफेक्ट प्रीलोड, कौन कौन से डिजीज आपके पास है जो आपके पास प्रीलोड इफेक्ट करते हैं, या ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट इफेक्ट प्रीलोड एक्सेप्ट, इस तरह भी आ सकते हैं। तो ये डिजीज आप लोगों ने याद रखने हैं कि एओर्टिक इंसफिशिएंसी आपके पास है, सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम आपके पास है, मिटर वॉल डिजीज आपके पास है, या कुछ मेडिकेशन आपके पास है, वेजो कंस्ट्रक्टर आपके पास है या वेजो डायलेटर आपके पास जो है, तो ये सब आपके पास प्रीलोड को इफेक्ट कर सकते हैं। अब आफ्टरलोड को किस तरह इफेक्ट होते हैं, इससे भी एक एमसीक्यू आप लोगों को आ सकता है। आफ्टरलोड इज द रेजिस्टेंस दैट द हार्ट मस्ट ओवरकम इन ऑर्डर टू इजेक्ट द ब्लड वॉल्यूम्स फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। आफ्टरलोड कैन बी इफेक्ट बाय एओर्टिक वल्वर स्टेनोसिस, आर्टीरियल वेजो कंस्ट्रक्शन एंड वेजो डायलेशंस, हाइपरटेंशंस, पेरिफेरल आर्टरियल कंस्ट्रक्शन। तो ये आपके पास क्या होते हैं, ये चार चीज़ें आपके पास आफ्टरलोड को इफेक्ट करता है। तो ये आप लोगों को एमसीक्यूज में आ सकते हैं, इसको आप लोगों ने याद रखना है कि अगर आपके पास हाइपरटेंशन है तो इसमें वो आपके आफ्टरलोड को इफेक्ट करता है, प्रीलोड को इफेक्ट नहीं कर सकता है। प्रीवियस दफ़ा इस हाइपरटेंशन जो है वो एमसीक्यूज में आया था कि कौन सी डिजीज़ जो है उसमें उसको इफेक्ट कर सकते, तो हाइपरटेंशन उसमें था, या वो इस तरह करते कि प्रीवियस वाली डिजीज़ इसमें डालते, ये वाली डिजीज़ उसमें डालते, तो उससे आपके क्या होते हैं, प्रीलोड एंड आफ्टरलोड आपके पास इफेक्ट होता है। अब आफ्टरलोड आपके पास किस तरह इफेक्ट होता है, एओर्टिक वल्वुलर स्टेनोसिस में। अब एओर्टिक स्टेनोसिस है, स्टेनोसिस का मतलब है कि वो तंग है, आगे की तरफ उसको रास्ता नहीं है, तो लाजमी बात है आगे ब्लड नहीं जाएगा, ब्लड हार्ट में रहेगा। जब हार्ट में रहेगा तो इसमें लाजमी बात है वो इफेक्ट करेगा। साथ में आपके पास वेजो कंस्ट्रक्टर है, वेजो डायलेटर, बहुत ज़्यादा वेजो कंस्ट्रक्टर देते हैं या वेजो डायलेटर, तो वो भी आपके पास इफेक्ट कर सकते हैं आपके पास, क्योंकि वेसल में आगे रास्ता नहीं है, ब्लड वो नहीं है ज़्यादा, या वो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्ट होते हैं तो उसमें फिर आपके पास आगे पुश करने के लिए ब्लड के लिए स्पेस नहीं होता है। इस तरह हाइपरटेंशन भी आपके पास, जब आपके पास बीपी बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें भी आपके पास रेजिस्ट बन जाता है, तो आफ्टरलोड आपके पास इफेक्ट होता है। पेरिफेरल आर्टरियल कंस्ट्रक्शन, जो पेरिफेरल आपका आर्टरी जो वो कंस्ट्रक्ट होते हैं तो उसमें भी आपके पास इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि पेरिफेरल आर्टरी में ब्लड है वो कंस्ट्रक्ट है ऑलरेडी, और इधर से वो और ब्लड दे रहे हैं, आगे रास्ता नहीं है तो वो ब्लड किस तरह जाएगा, तो लाजमी बात है ऑटोमेटिकली किस चीज़ पे इफेक्ट होगा, आफ्टरलोड पे इफेक्ट होगा। मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन आपके पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन हैज अ लीनियर रिलेशनशिप टू, उसका लीनियर रिलेशनशिप है, उसका एज सच डायरेक्ट रिलेशन नहीं है लेकिन फिर भी उसका रिलेशनशिप उसके साथ है। इंट्राविंट्रिकुलर प्रेशर्स, आफ्टरलोड्स, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड वॉल थिकनेस, ये आपके पास है। वॉल थिकनेस आपके पास ओल्ड एज में ज़्यादा होता है, या आपके पास हार्ट में कोई डिजीज़ हो तो उसमें आपके पास वॉल थिकनेस हो जाती है, या कार्डियोमेगेली वगैरह जो आपके पास हो जाती है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम आपके पास होता है तो वो भी आपके मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन पर ज़्यादा करता है, ज़्यादा ऑक्सीजन पर यूज़ करता है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम ऑक्सीजन कब ज़्यादा यूज़ करता, जब उस पर काम ज़्यादा होता है। काम कब ज़्यादा होगा, जब उसके इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर ज़्यादा होता है, आफ्टरलोड ज़्यादा होता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा होगा, या उसके वाल थिक होंगे तो उसमें पे उसके लिए काम ज़्यादा करना पड़ता है, तो इसलिए फिर कोरोनरी आर्टरी को ज़्यादा परफ्यूजन की नीड होती है ताकि वो हार्ट मसल को ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचाए। नेक्स्ट अगर हम देख लीजिए आपके पास इंट्राओर्टिक बैलून है, ये साथ में जो है मशीन के साथ जो ये लाइन है ये आपके पास इंट्राओर्टिक बैलून है। अच्छा, प्रीलोड स्लाइडली डिक्रीज होगा, सही है, प्रीलोड आपके पास इसके साथ क्या होता है, स्लाइडली डिक्रीज होता है, सही है। बैकग्राउंड समरी आपके पास क्या है, और आफ्टरलोड आपके पास क्या होगा, वो भी आपके पास डिक्रीज होगा, साथ में आपके पास कोरोनरी फ्लो इंक्रीज होगी, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिक्रीज होगी, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा। अच्छा, इसमें एक बात याद रखो आप लोग कि कॉमनली एमसीक्यूज में आप लोगों को इस तरह कन्फ्यूज़ होते हो, फिर सही है,
प्रीवियसली एमसीक्यूज आए थे कि अक्सर लोग सोचते हैं कि जब एंट्राइवोटिक बैलून पंप लगाते हैं तो उसमें मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होता है, वो पहले ज़्यादा होता है जब हम लगाते हैं, फिर वो कम होता है। कम इसलिए होता है कि वो जब इन्फ्लेट होता है तो ऑलरेडी तो वो ब्लड तो उधर पहुंच जाती है, कोरोनरी आर्टरी की तो ब्लड पहुंच जाती है, तो इसलिए उसका डिमांड क्या होता है, कम होता है। तो उसके बीच में लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने इस पर कंसेप्ट अपना क्लियर करना है। और ये इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं, प्रीवियस दफ़ा आए थे कि प्रीलोड आपके पास स्लाइडली क्या होता है, डिक्रीज होता है। प्रीलोड क्यों डिक्रीज होगा, हमें पता है कि उसको पहले से वो ब्लड आ गया, वोटा से पुश करता है, जब पुश करते हैं तो प्रीलोड आपके पास क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। आफ्टर लोड भी आपके पास क्या होता है, अगर रेजिस्टेंस आगे नहीं है तो आफ्टर लोड आपके पास क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर रेजिस्टेंस है तो आफ्टर लोड फिर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसलिए आपके पास आफ्टर लोड फिर कम होता है, क्योंकि आगे आपको रेजिस्टेंस नहीं है, आगे वोटा से ब्लड उसने आगे तरफ पुश किया है जब वो इन्फ्लेट हुआ है। फिर कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है, इंक्रीज होता है, कोरोनरी आर्टरी का फ्लो क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसकी वजह से जब हम इसको लगाते हैं, कॉमनली उस कोरोनरी आर्टरी को ब्लड कम मिलता है, जब हम इसको लगाते हैं तो इससे ब्लड कोरोनरी आर्टरी में ज़्यादा जाती है, या आपके पास जो वाइटल ऑर्गन है, डिस्ट्रल वाइटल ऑर्गन, ब्रेन हुआ, किडनी हुआ, उसमें भी आपके पास इंक्रीज होगा। मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसलिए डिक्रीज होता है, डिमांड का मतलब कि उसको कितने चाहिए, ऑलरेडी डिक्रीज, इसलिए क्योंकि उसको जब फ्लो ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगा, क्योंकि फ्लो के साथ ऑक्सीजन उधर पहुंच रही है, तो इसलिए डिमांड क्या होता है, कम होता है। कार्डियक आउटपुट आपके पास इंक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट क्यों इंक्रीज होगा, आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। दूसरा, इस टेबल को आप लोगों ने याद रखना है, सही। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एंट्राइओटिक बैलून पंप, एंट्राइओटिक बैलून पंप का किस चीज़ पे क्या इफेक्ट है, तो इस टेबल से भी आप लोगों को एमसीक्यूज आ सकते हैं। ये सुनने में ये चीज़ आसान है, लेकिन उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और इसमें टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, उसको घुमाते फिराते तो फिर आप लोग कन्फ्यूज होते हैं। जिस तरह प्री लोड आफ्टर लोड, पहले आप लोगों ने क्या करना है, इन चीज़ों पर अपना कंसेप्ट क्लियर करना है कि प्री लोड क्या है, आफ्टर लोड क्या है, और रेजिस्टेंस क्या होता है, वेजो कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, वेजो डायर, तो फिर आप लोगों को इस टेबल के समझने में आसानी होगी, फिर कोई मुश्किल नहीं होगा। अब इसमें आप लोग देख लो, मेजॉरिटी चीज़ें आपके पास डिक्रीज होती हैं, दो तीन चीज़ें आपके पास इंक्रीज होती हैं। एओर्टिक सिस्टोलिक प्रेशर आपके पास डिक्रीज होगा, एओर्टिक डायस्टोलिक प्रेशर आपके पास इंक्रीज होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोलिक प्रेशर आपके पास डिक्रीज होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक प्रेशर आपके पास डिक्रीज होगा, कार्डिक आउटपुट आपके पास इंक्रीज होगा, कार्डिक आफ्टरलोड आपके पास डिक्रीज होगा, कार्डिक प्रीलोड डिक्रीज होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल टेंशन आपके पास डिक्रीज होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल्यूम आपके पास डिक्रीज होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल स्ट्रोक वर्क आपके पास डिक्रीज होता है, कोरोनरी ब्लड फ्लो आपके पास इंक्रीज होगा, रेनल ब्लड फ्लो आपके पास इंक्रीज होगा। अगर इसकी जगह पे रट्टा मत लगाओ, इसकी जगह पे अगर आपको आए कि ब्रेन फ्लो आपके पास इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, वो भी आपके पास इंक्रीज होगा, या आपके पास कोई और वाइटल ऑर्गन आपको देते हैं तो उसका फ्लो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये टेबल आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट, आपके पास इंडिकेशन फॉर इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप, कौन कौन से इंडिकेशन है, कब हम इसको पास करते हैं और क्यों हम इसको, इसकी ज़रूरत क्यों आती है, हम क्यों पास करते हैं, उसको हम इंडिकेशंस कहते हैं। इंडिकेशंस का मतलब है कि इसकी ज़रूरत कब आती है और क्यों हम पास करते हैं और कब कब हम इसको पास करेंगे। ये भी आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि आपको एक सीनेरियो बेस आपको आ सकते हैं कि आपके पास एक मरीज था, उस मरीज को कार्डिक फेलियर था, तो उसके लिए हम कौन सा प्रोसीजर करेंगे जिससे आपके पास ब्लड फ्लो इंक्रीज होगी, कार्डिक आउटपुट होगा, ये चीज़ होगी, तो इट्स मीन्स उसमें हम इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप पास करते हैं। कार्डिक फेलियर आफ्टर कार्डिक सर्जरी प्रोसीजर, कार्डिक सर्जरी प्रोसीजर मीन्स कोई भी सर्जरी प्रोसीजर हो, केबेज हो आपके पास, केबेज जानते हो, सही, जो आपके पास ओपन हार्ट सर्जरी होती है, ग्राफ्टिंग होती है, पांव से हम वेसल को लेते हैं, ऊपर हार्ट में हम लगाते हैं, तो उसको हम केबेज कहते हैं। केबेज आपके पास हो, उसके बाद या कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर हो जिसमें आपके पास हार्ट फेल हो, काम नहीं कर सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंट्राओर्टिक बैलून पंप हम लगाते हैं। रेफ्रेक्टरी इंजाइना डिस्पेट मैक्सिमल मेडिकल मैनेजमेंट, एक इंजाइन है, उसको बार बार इंजाइना हो रहा है, उसका मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है, मेडिकल मैनेजमेंट से वो ठीक नहीं होता है, मेडिकल मैनेजमेंट मीन्स ड्रग से वो ठीक नहीं होता है, तो फिर हम उसमें भी ये पास कर सकते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक में हम इंट्राओर्टिक बैलून पंप पास कर सकते हैं। माइट्रल रिगर्ज, माइट्रल वॉल की रिगर्ज हो, उसमें हम पास कर सकते हैं। पीरी ऑपरेटिव ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एमआई हो जाती है, उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो उसमें भी हम पास कर सकते हैं। प्री ऑपरेटिव मीन्स सर्जरी से पहले, मीन्स उसको एमआई हुआ था, उसका अभी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी नहीं किए, उससे पहले अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो पहले हम इंट्राओर्टिक बैलून पंप लगा सकते हैं। फॉर PTCA परकुटीनियस ट्रांस कोरोनरी आर्टरी बाईपास जो आपके पास होता है, तो वो भी हम उसमें फेल हो, वो नहीं होता है, तो उसमें भी हम इस तरह कर सकते हैं। एज अ ब्रिज टू कार्डिक ट्रांसप्लांट, या एक ब्रिज हम बनाते हैं, कार्डिक ट्रांसप्लांट करते हैं, मीन्स कार्डिक को पूरा हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उस चीज़ें हम करते हैं। तो इसको आप लोगों ने याद रखना है कि ये इंडिकेशन आपके, इसमें हम क्या करते हैं, हम इंट्राओर्टिक बैलून पंप हम लगाते हैं।
कामनली इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, कामनली ड्रग्स वगैरह के साथ ये लोग मैनेज करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नीड होती है तो फिर एंटीबायोटिक बैलून पंप हम लगा सकते हैं। अब एंटीबायोटिक बैलून पंप ड्यूरिंग एंड आफ्टर कार्डिक सर्जरी, पेशेंट हु है सस्टेन वेंट्रिकुलर डैमेज प्री ऑपरेटिव लीज एंड एक्सपीरियंस हार्मफुल एडिशनल स्कीम है ड्यूरिंग सर्जरी, उसको कोई स्कीमें हो गया सर्जरी में कोरोनरी आर्टरी के अंदर, सही है, या तो उसको हम क्या करते हैं, हम उसको एंटीबायोटिक बैलून हम पास करते हैं। सम पेशेंट बिगिन विद रिलेटिवली नॉर्मल कार्डिक फंक्शंस एंड एक्सपीरियंस सीवियर बट रिवर्सिबल मायोकार्डियल सस्टेंस ड्यूरिंग द ऑपरेशंस मैकेनिकल डिसफंक्शन दैट परसिस्ट आफ्टर रीपरफ्यूजन डिस्पेट द एब्सेंस ऑफ इररेगुलर डैमेज। अब अगर कोई मायोकार्डियल स्टेंट हम लगाते हैं या कोई सर्जरी हो गई हो या कोई और मसला होता है तो उसमें भी हम इसको लगा सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि ये हम कार्डिक सर्जरी से पहले या आफ्टर हम लगाते हैं, कब हम लगाते हैं, जब हमें पता चल जाता है कि आपका हार्ट जो है वो उस तरह फंक्शन नहीं कर सकता है, मींस वाइटल ऑर्गन को वो ब्लड नहीं पहुंचा सकता है, ना वो अपने हार्ट को ब्लड पहुंचा सकता है, ना जो हमारे पास वाइटल ऑर्गन होते हैं उसको ब्लड पहुंचा सकते हैं, तो उस टाइम हम उसको लगाते हैं, चाहे वो MI मायोकार्डियल इन्फेक्शन में हो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ हो मरीज को उसमें हो, क्योंकि मायोकार्डियल इन्फेक्शन जब हो जाती है उसमें कभी कभी इस तरह होता है कि आपके जो हार्ट होते हैं उसके सेल जो होते हैं वो डेथ हो जाते हैं, जो हार्ट के सेल होते हैं वो डेथ हो जाते हैं, जब वो डेथ हो जाते हैं तो उसमें फिर ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है, कम वेसल होते उसमें ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम भी हम इसको पास कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के पास ड्यूरिंग एंड आफ्टर कार्डिक सर्जरी हम उसको पास कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्या है कि कार्डिक ट्रांसप्लांटेशन, जब कार्डिक ट्रांसप्लांटेशन मींस न्यू हार्ट को लगाना, हार्ट को अपने उसको रिप्लेस करना, 15-30% ऑफ एंड स्टेज कार्डियोमायोपैथी पेशेंट्स अवेटिंग ट्रांसप्लांट नीडेड मैकेनिकल सपोर्ट मे डिक्रीज द नीड फॉर मोर इन्वेंसिव LVAD सपोर्ट, सही। अच्छा, इसमें आपके पास क्या होता है कि जब आपके कार्डियोमिगरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कार्डियोमिगरी मीन्स आपका हार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो उसके एंड में फिर ये होता है कि हार्ट उस तरह फंक्शन नहीं कर सकता है कि आपकी पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचाए, तो लाजमी बात होती है फिर हम क्या करते हैं, हम ट्रांसप्लांट करते हैं। अब जो एंटीबायोटिक बैलून पंप जो है ये उसका परमानेंट इलाज नहीं है, परमानेंट इलाज मीन्स इसमें आप घर नहीं जा सकते हो या आप हॉस्पिटल में जैसे आप ट्रीटमेंट करते हो मरीज को स्टेबलाइज करने तक। अब जो हार्ट ट्रांसप्लांट है ये जब हम पास करते हैं तो ये आपके पास परमानेंट इलाज है, सही है, तो इस वजह से आप लोग जब हार्ट सर्जरी हम करते हैं तो उस टाइम भी हम इसको पास कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास कंट्राइंडिकेशन टू एओर्टिक बैलून पंप आपके पास क्या है, कंट्राइंडिकेशन मींस कि जब हम एंटीबायोटिक बैलून पंप पास करते हैं तो उससे नुकसान क्या होगा हमारे बॉडी पे, कौन कौन से नुकसान हो गए, सीवियर एओर्टिक इंसफिशिएंसी होगी आपके पास, एओर्टिक एनोरिज्म आपके पास होगा, एओर्टिक डायसेक्शन आपके पास हो सकता है, लिम्स स्कीम आपके पास हो सकता है, थ्रम्बो एम्बुलिज्म आपके पास हो सकता है, वहाँ पे आपके पास बैलून की वजह से आपके पास थ्रम्बस भी बन सकता है, क्योंकि बैलून जब आप पास करते हो उसके ऊपर या उसके साइडों पे आपके पास ब्लड की क्लॉट बन सकती है और वो उससे थ्रम्बस बन के वो पूरे बॉडी में फैल सकता है। लिम्स स्कीम किस तरह होगी, जब हम IBP पास करते हैं तो ये हमारे पास फेमोरल से हम पास करते हैं, फेमोरल आर्टरी से हम जाते हैं, तो मे बी फेमोरल आर्टरी में ब्लॉकेज ज़्यादा हो या कोई ब्लॉक हो जाए उससे लिम्स स्कीम हो जाए, तो इसलिए जब भी आप लोग इंट्राएओर्टिक बैलून पंप पास करते हो तो आपको चाहिए कि आप लिम्स की परफ्यूजन आप लोग देख लो, लिम्स की परफ्यूजन आप देख लो, परफ्यूजन हम किस तरह देखते हैं, कॉमनली हम परफ्यूजन देखें, अगर आपको पता चला कि लिम्स की परफ्यूजन कम है या नहीं हो रही तो फिर हम उसके लिए डॉपलर अल्ट्रासाउंड करते हैं, डॉपलर अल्ट्रासाउंड से हमें पता चल जाता है कि कितने परसेंट उसमें फ्लो आ सकते हैं। एओर्टिक डायसेक्शन, एओर्टा में हम पास करते हैं तो मे बी एओर्टा जो है वो रप्चर हो सकता है, दो हिस्सों में तकसीम हो सकता है उस प्रोसीजर की वजह से उसके, या एओर्टिक एनोरिज्म भी आपके पास हो सकता है। अब ये आपके पास किट है, सही, एंटीबायोटिक बैलून आप पास करते हैं उसके पास इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से, किट कौन कौन से हैं, इंट्रोड्यूस नीडल्स गाइड वायर आपके पास होगा, वेसल डायलेटर आपके पास होता है, शीत आपके पास होता है, एंटीबायोटिक बैलून पंप्स 34-40 cc आपके पास होगा, गैस ट्यूब आपके पास होगा, गैस ट्यूब जिसमें हम गैस डालते हैं, कौन सा गैस हम डालते हैं, हीलियम गैस डालते हैं, 40 cc तक हम डालते हैं, 60 ml आपके पास सिरंज होनी चाहिए, 3-way स्टॉप कॉक आपके पास होनी चाहिए, आर्टेरियल प्रेशर ट्यूबिंग होनी चाहिए, तो ये आपके पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट है ये आपके पास होनी चाहिए, साथ में आपके पास मशीन होता है, मशीन के साथ हम उसको अटैच करते हैं और ये हम पास कर सकते हैं।
नेक्स्ट आपके पास है इंसर्ट टेक्निक्स, आपके पास क्या है परकुटीनियस शीटलेस, हम क्या कहते हैं इंसर्ट, हम फिमोरल से हम क्या करते हैं हम उसको प्रिक करते हैं, फिमोरल से हम जाते हैं सही है, फिमोरल कट डाउन्स ट्रांस टोरेसिक, टोरेसिक तक हम जाते हैं, फिमोरल से हम पास करते हैं टोरेसिक तक, हम जिस तरह ये इमेज में आप लोगों के है टॉप पे फिमोरल से उसने पास किए तो थ्रू टोरेसिक तक, ये आप लोग देख लो आपके पास पोजीशन है, आपके पास किस चीज़ की पोजीशन है आपके पास इंट्राइओर्टिक बैलून पंप की पोजीशन आपके, द एंड ऑफ बैलून शुड बी जस्ट डिस्टल टू द टेक ऑफ ऑफ द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी के साथ ही आपके पास होगा सही, पोजीशन शुड बी कंफर्म बाय फ्लोरोस्कोपी और एक्सरे, अब पोजीशन को हम किस तरह कंफर्म करते हैं फ्लोरोस्कोपी या एक्सरे के बाद, अब फ्लोरोस्कोपी हमारे पास एक बड़ा मशीन होता है सही, आगे इमेज में है और एक्सरे भी यहाँ में नज़र आता है, एक्सरे में किस तरह नज़र आते हैं वो भी आगे इमेज में है, फ्लोरोस्कोपी किस तरह मशीन है वो भी आप लोगों के आगे इमेज में है, लेकिन जस्ट हमेशा आप लोगों ने जो भी प्रोसीजर आप लोग करते हो प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले आपने कंफर्म करना है कि इसका पोजीशन ठीक है कि ठीक नहीं है, तब आपने उसका फंक्शन स्टार्ट करना है, उसका फंक्शन हम पहले स्टार्ट नहीं करते हैं। ये आप लोग देख लो ये आपके पास फ्लोरोस्कोपी मशीन है, ये आपके पास एक मशीन है फ्लोरोस्कोपी, इसके थ्रू हमारे पास ये इस तरह नहीं होता है जो उसके साथ में जो बैक साइड पर देख लो ये मॉनिटर लगा होता है, उस मॉनिटर में आपको नज़र आता है जिस तरह अल्ट्रासाउंड प्रोब होता है इस तरह इसमें प्रोब लगते हैं तो प्रोब से हमें नज़र आ जाता है कि ये आपके पास कहाँ पे, ये फ्लोरोस्कोपी मशीन एमएमसी में है। अच्छा जो आपके पास एक्सरे, एक्सरे को आप लोग देख लो, एक्सरे में भी आपके पास जो एरो निशान है वो टिप जो है आपके पास, एक्सरे में आप लोग जो वहाँ पे एरो निशान है जो टिप है वो पे जो इन्फ्लेट है ये आपके पास बैलून है, एक्सरे में भी आपको इस तरह के बैलून नज़र आ जाते हैं, और जो ये बैक आपके पास जो लाइन आया है ये आपके पास वो वायर है जहाँ तक वो गया है परकुटीनियस से वो गया है, तो ये आपके पास वायर है। फिर उसके वेव्स आपको मॉनिटर में आपके पास वेव्स किस तरह है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ईसीजी में आपके पास वेव्स इस तरह नज़र आएंगे सही, आर्टेरियल प्रेशर ट्रेसिंग वो भी आपके पास होता है इस तरह की वेव्स आपके पास होंगे, नॉर्मल ईसीजी की तरह वेव्स आपके पास नहीं होती, इसमें काउंटर पल्सेशन आपके पास होता है सही, डायक्रोटिक नॉच आपके पास होता है जो आपके पास ये रेड में फर्स्ट में आप लोग देख लो डायक्रोटिक नॉच आपके पास है, ये जो एरो निशान दिया है सही, ये नॉच आपके पास होगा उसमें, मॉनिटर पे आप लोग जो ईसीजी देखते हैं वो नॉर्मल पी क्यू आर एस टी यूज नहीं होंगे, उसमें आपके पास ये नोच लाजमी होगा, जब इस तरह के नोच आपके पास होगा तो ये इस मीन्स इस मरीज को आपने इंट्राइओर्टिक बैलून पंप पास किया वो अपना पल्सेशन भी शो करता है, तो इसलिए इसका पल्सेशन इस तरह चेंज होता है। इसी इमेज में भी आप लोग देख लो डिफरेंट आप लोगों के पास आए हैं फ्रिक्वेंसी और ये चीज़ें आप लोगों के पास है। अब नेक्स्ट आपके पास ऑटोमेटिक है सीमी ऑटोमेटिक है मैनुअल है, तीन तरीक़ों से हमारे पास इसको हम चला सकते हैं, इसकी सेटिंग होती है जिस तरह विंड की सेटिंग हमारे पास होती है तो इस तरह इसकी भी सेटिंग होती है हमारे पास, एक आपके पास ऑटोमेटिक है ट्रेसिंग कार्डिक साइकल्स कार्डिक रिदम्स एंड एडजस्ट ऑटोमेटिकली, ये क्या होता है वो खुद उसको ट्रेस करता है कि कभी डिस्टोर होता है कभी सिस्टोर होता है ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो सकते हैं। सीमी ऑटोमेटिक क्या मतलब क्या है, ऑपरेट मस्ट बी एडजस्ट इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, वो इन्फ्लेट करता है डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को जस्ट मॉनिटर करता है, बाकी उसके कार्डिक साइकिल से कोई काम नहीं होता है। मैनुअल क्या होते हैं मस्ट एडजस्ट इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन कैन सेट फिक्स रेट, उस पर हम फिक्स रेट हम लगाते हैं कि रेट किस तरह फिक्स होता है, नीचे जो इमेज में आप लोगों के पास है इधर से हमारे पास इसकी सेटिंग होती है, जो प्रीवियसली आपके पास मशीन था उस मशीन का जो स्क्रीन होता है जो कीबोर्ड होता है वो इस तरह होता है, इधर से उसकी सेटिंग वगैरह होती है। ट्रबल शूटिंग इन द ओआर ईसीजी ट्रिगर्स मे नॉट बी फंक्शनिंग प्रॉपरली चेक स्लीव केबल्स कनेक्शंस, अगर ईसीजी आप लोगों को प्रॉपरली नजर नहीं तो आपने पहले क्या करना है केबल को चेक करना है, जो भी प्रोसीजर हो जो भी चीज़ हो आपने पहले क्या करना है उसके केबल्स को चेक करना है, जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें हो या उसके अटैचमेंट हो, कभी कभी इस तरह होता है केबल्स जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है या उसको अटैच नहीं होता है सही, तो आपने उसको क्या करना है केबल भी चेक, वो कोई भी चीज़ आपके पास हो सही तो उसको आपने पहले क्या करना है केबल चेक करना है, और इलेक्ट्रिसिटी चेक करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी उस जगह को आती है कि नहीं आती है, चेक द पेशेंट लीड्स, फिर उसके बाद पेशेंट लीड्स लीक चेक करने, क्योंकि कभी कभी इस तरह होता है कि पेशेंट की लीड्स नहीं लगे होते हैं पेशेंट की लीड्स डिस्प्लेस होते हैं, चेंज ईसीजी लीड्स सोर्स, ईसीजी लीड्स सोर्स को फिर आप चेंज कर लो, ईसीजी लीड्स सोर्स का मतलब ये है
कि जो आपके पास केबल होते हैं पूरा केबल को आप चेंज कर लो, क्योंकि बिस्तर होते हैं वो केबल के बीच में वायर जो होते हैं वो कट जाता है या उसमें मसला, तो आप एक मॉनिटर से निकालो दूसरा मॉनिटर उसके लगाओ, उसको चेक कर लो ताकि वो दूसरे पे काम करता है कि नहीं करता है, तो आपने उसको चेक करना है। ऑटो फिल्स मे फिल्स चेक हीलियम एंड रिफिल देन चेक बेलून्स, आपने क्या करना है उसको फिल करना है, फिर उसको आपने चेक करना है कि उसमें गैस जो है वो चला गया कि नहीं चला गया। बेलून मैनट ऑगमेंटेटेड CO adopt चेक बेलून पोजीशन, बेलून पोजीशन आपने चेक करना है। रीपोजीशन बेलून इज नेसेसरी, रीपोजीशन बेलून क्या है आपके लिए नेसेसरी है। अब कॉम्प्लिकेशन उसमें क्या क्या आ सकता है, लिम्ब इस्कीमा थ्रोम्बोसिस एम्बुलाई, ये मैंने प्रीवियसली स्लाइड में हमने पढ़े भी कि ये कॉम्प्लिकेशन आप लोग क्या आ सकते हैं। ब्लीडिंग एंड इंसर्शन साइट, जहाँ पे आपने इंसर्ट किया है फेमोरल में गोन एरिया में, तो वहाँ पे आपके पास हेमाटोमा भी बन सकते हैं, वहाँ से ब्लीडिंग भी हो सकती है। हेमाटोमा मीन्स सपोर्टिंग, इसलिए आपके पास वहाँ पे ब्लड जमा होता है, उसको हम क्या कहते हैं हेमाटोमा हम कहते हैं। एओर्टिक परफ्यूजन एंड डायसेक्शन, एओर्टिक परफ्यूजन डायसेक्शन आपके पास हो सकती है। रेनल फीरियड एंड बाउल इस्कीमिया, रेनल फीरियड एंड बाउल इस्कीमिया इसलिए होती है क्योंकि ये आपके पास आर्टी को ब्लॉक करती है, जो लिम्स को आई है उससे रेनल को भी गई है, जब उस आर्टी को ब्लॉक करती है तो फिर अगर रेनल को ब्लड नहीं मिलता तो रेनल इस्कीमिया भी आपके पास हो सकती है, या बाउल इस्कीमिया बाउल को भी उस आर्टी से रेनल और बाउल दोनों को उससे कनेक्शन गए हैं तो उसके थ्रू वो ब्रांचेस गए हैं, वो ब्रांचेस के थ्रू उधर सप्लाई होती है। अगर ये मेन आर्टी ब्लॉक हो जाती है आपके साथ तो फिर वहाँ पे भी सप्लाई नहीं होगी, जब वहाँ पे सप्लाई नहीं होगी तो आपके पास इस्कीमिया डेवलप हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूडिंग पैराप्लेजिया, पैराप्लेजिया आपके पास दोनों लिम्स आपके पास वो काम छोड़ लेते हैं, सही है। हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हेपरिन अगर आप ज़्यादा मकदार में देते हो तो उसमें भी आपके पास थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बन सकता है। इन्फेक्शन वो लाजमी बात है, जब आपके पास नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होता है, इन्वेसिव प्रोसीजर होता है तो उसमें इन्फेक्शन की चांसेस ज़्यादा हो सकती है। विनिंग आईबीपी, अब विनिंग हम किस तरह करते हैं, टाइमिंग ऑफ विनिंग, पेशेंट शुड बी स्टेबल फॉर 24 to 48 hours, पेशेंट जो है 24 से लेकर 48 आवर तक स्टेबल होनी चाहिए। डिक्रीज एनोट्रॉपिक सपोर्ट, एनोट्रॉपिक सपोर्ट हम क्या करेंगे कि डिक्रीज करेंगे, एनोट्रॉपिक सपोर्ट हम क्यों देते हैं, हम इसलिए देते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर को हीमोडायनामिक्स को हमारे पास मेंटेन रखे, हीमोडायनामिक्स आपके पास जब वाइट जाते हैं ब्लड प्रेशर वगैरह आपको क्या कहते हैं मेंटेन रखते हैं। डिक्रीज द पंप रेशो फ्रॉम 1:1 to 1:2 and 1:3, आपने क्या करना है उसको डिक्रीज करना है। किस तरह हम डिक्रीज करते हैं, 1:1 आपके पास होता है तो आप 1:2 करो, 1:2 आपके पास है तो 1:3 कर लो। 1:3 का मतलब ये कि आफ्टर 3 सिस्टोल के बाद एक दफा वो क्या होगा पल्सेट होगा, मींस 1:1 ये है कि एक दफ़ा वो हार्ट खुद पंप करता है, एक दफ़ा ये इन्फ्लेट डिफ्लेट होता है। 1:2 में दो हार्ट बीट करता है, एक दफ़ा ये डिफ्लेट होता है। 1:3 में तीन दफ़ा हार्ट खुद वो पंप करता है लेकिन फोर्थ दफ़ा ये इन्फ्लेट होता है, वो ब्लड को आगे से कम कर देता है। तो इस तरह वो क्या करते हैं हम उसको विनिंग अप कर देते हैं ताकि हम हार्ट फंक्शन को देखते हैं कि हार्ट के फंक्शन ठीक है कि ठीक नहीं है। अगर तीन दफ़ा में फिर भी हार्ट का फंक्शन ठीक नहीं तो फिर हम वापस 1:1 पे आते हैं, तो वापस उसको हम अपनी नॉर्मल स्टेज पे लेके आते हैं। मॉनिटर पेशेंट क्लोजली, मॉनिटर हम करेंगे मरीज को क्लोजली। इफ द पेशेंट बिकम अनस्टेबल वीनिंग शुड बी इमीडिएटली डिसकंटिन्यू, अगर मरीज आपके पास अनस्टेबल है, कभी कभी इस तरह होता है कि इसका पल्सेशन या रेशियो में हमें गलत हो जाते हैं, जब रेशियो में हम गलत होता है या पल्सेशन हम गलत जगह पे हम इन्फ्लेट डिफ्लेट करते हैं, हम वहाँ पे सेटिंग में गलत होता है कि गलत तरीके से हम इन्फ्लेट डिफ्लेट करते हैं या गलत बटन को हम प्रेस करते हैं, तो फिर आपने क्या करना है कंप्लीटली आपने उसको डिफ्लेट करना है, फिर आपने उसको कंटिन्यू नहीं करना, डिसकंटिन्यू करना है। अच्छा, इंट्रा एओर्टिक बेलून पंप आपके पास क्या है, रिमूवल हम किस तरह करते हैं, डिसकंटिन्यू हेपरिन 6 hourly प्रायर, पहले आपने क्या करना है 6 hourly आपने क्या करना है हेपरिन को आपने डिसकंटिन्यू करना है। चेक प्लेटलेट्स एंड कोगुलेशन फैक्टर्स, पीटी एफटीटी एनआर आपने क्या करना है चेक करने हैं, उससे पहले डिफ्लेट द बलून, बलून को आपने डिफ्लेट करना है। अप्लाई मैनुअल प्रेशर अबाउट द बिलो इंट्राएओर्टिक बलून इंसर्शन साइड, आपने मैनुअल प्रेशर देना है, जब आप उसको रिमूव करते हो तो मैनुअल प्रेशर आपने देना है। एक बात याद रखो, जब हमारे पास एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होती है अगर हैंड से होती है तो 6 hours हम स्टे करते हैं, मरीज को कहते हैं 6 घंटे आपने नहीं जाना है, 3 से लेकर 6 घंटे तक। जब आपके पास फेमोरल होती है तो 6 से लेकर 12 hours तक आप उसको मूवमेंट नहीं कर सकते, अगर फेमोरल कोई भी आर्टरी आप ब्रेक करते हो तो मरीज को फिर 6 से लेकर 12 hours तक वो मरीज मूवमेंट नहीं कर पाए, तो मरीज बेड पे रहेगा। अप्लाई कांस्टेंट प्रेशर फॉर द इंजेक्शन साइट फॉर द मिनिमम ऑफ 30 मिनट्स, 30 मिनट्स हम जस्ट कांस्टेंट प्रेशर देते हैं, मींस मरीज को 30 मिनट्स आपने इस तरह पकड़ा है, मींस आपने ऊपर हाउस में गैस पीस रखी, गैस पीस के ऊपर आपने क्या करते हैं उसको प्रेशर देना है 30 मिनट्स के लिए। चेक डिस्टल पल्स फ्रीक्वेंटली, डिस्टल पल्स मींस जहां पे आपने पास की उससे डिस्टल, प्रॉक्सिमल जो उसको कहते हैं कि जब उस इंसर्शन साइट तक नजदीक हो, डिस्टल जो इंसर्शन साइट से उससे अवे हो उसको हम क्या कहते हैं डिस्टल, तो डिस्टल साइट पर आपने जाना है। थैंक यू सो मच फॉर